Okay, everybody ready? Everybody is paying attention, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. तो बेटा आज का क्लास हम शुरू करेंगे कुछ टिप्स से, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का ये लास्ट इवनिंग क्लास है. लेट मी टेल यू, दिस इज द लास्ट इवनिंग क्लास ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री का इसके बाद इवनिंग क्लास नहीं होगा. कब होगा? जब एग्जाम जब आएगा रिविजन के लिए. लेकिन अभी कुछ ट्रिगोनोमेट्री, अभी नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, हम शुरू करेंगे. तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक टिप्स, जो कि हम ऑलरेडी क्वेश्चन करते वक्त किए हैं, लेकिन वो टिप्स मैं आपको आज एक जगह पर लिख के दे दूंगा, तो आपको टिप्स याद रखना है. ठीक है, देखो बेटा, टिप नंबर वन बेटे, देखो आपको अभी अगर कहीं पर दिखे ऐसा चीज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, या फिर अगर ये दिखे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ध्यान दो, मैं जो बोला ध्यान दो. अगर ये दोनों में से कोई भी दिखे आपको कहीं पर भी, ये थीटा के जगह अल्फा बीटा गामा फ्रॉग स्नेक जो भी दिया, जो भी एंगल दिया, आई डोंट केयर व्हाट एवर एंगल, बस एंगल सेम होना चाहिए. कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होना चाहिए, नीचे कॉस थीटा माइनस ये सारी थीटा 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 सेम होना चाहिए. हमेशा क्या करना है आपको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, हमेशा हमेशा ऐसा अगर दिखे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा में डिवाइड करोगे. तो डिवाइड करने के बाद आपको फायदा क्या होगा कि आपको ये मिल जाएगा हमेशा. सपोज इसमें डिवाइड किए तो ये मिल जाएगा आपको 1 प्लस टैन थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा, ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन थीटा. उसके नेक्स्ट स्टेप ये हमेशा यही रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, हमेशा बस यही रहेगा. 1 प्लस टैन थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि टैन पाई बाई 4 प्लस थीटा, ऊपर अगर प्लस है तो पाई बाई 4 प्लस थीटा. गाइस जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी. तो बेटा यस सर, यस यस, इनवेरिएबल ऑलवेज यही होगा कि 1 प्लस टैन थीटा, ऊपर प्लस है तो पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है. तो हमने डिराइव भी किए थे, आप खुद भी कर सकते हो अगर भूल गए हो. 1 माइनस टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन थीटा इज टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा, बस. सर थोड़ा ओवरऑल बता दें कैसे करेंगे सर इसका डिराइव, सर थोड़ा मतलब लिखना जरूरी नहीं सर थोड़ा. ओके टैन ए प्लस बी लगाने और क्या, टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, वट इज ए इज पाई बाई 4, टैन पाई बाई 4 1 होता है, राइट. चेक कर लो इसको अगर करते हो तो टैन ए प्लस टैन बी मतलब टैन पाई बाई 4 प्लस टैन थीटा, टैन पाई 4 1 प्लस टैन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, टैन पाई बाई 4 कितना होता है 1 इंटू टैन थीटा, आ गया यही. हेलो, यस सर, यस सर. ओके. तो बेटा ये गया टिप नंबर 1. भूलोगे कभी, जिंदगी भर नहीं भूलना है, क्योंकि ट्वेल्थ में यही आएगा. टीचर डायरेक्ट करेंगे, आपको कन्फ्यूजन वही होगा अगर नहीं समझोगे. तो दिस इज टिप नंबर 1. आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टिप, टिप नंबर 2. यस सर, टिप नंबर 2. बेटा हमेशा ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आ जाता है डायरेक्ट. टैन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉट एक्स बाई 2, कॉट एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स. बहुत जगह ये फॉर्मूला आपका काम आएगा, याद रखो, बहुत जगह ये फॉर्मूला काम आएगा. बेटा देखो 1 माइनस कॉस एक्स, बेटा देखो मैंने आपको बोला था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, या फिर मैं एक्स लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस 2 एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो अगर मैं आपको 1 माइनस कॉस एक्स बोलूँगा
तो बेटे देखो लेफ्ट हैंड में आपने 2x को x बना दिए, कैसे बना दिए, उसको आधा कर दिए, हाफ कर दिए। राइट में भी जो एंगल है उसको आधा कर दो, राइट में x है एंगल, उसको आधा करके x बना, तो 1 माइनस कॉस x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। गॉट इट एवरीबॉडी? ये ऑलरेडी हम सब कर चुके हैं। यस सर। ओके, बिल्कुल उसी तरह आप पता कर सकते हो कि 1 प्लस कॉस x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। अगेन यू नो द फॉर्मूला फॉर साइन 2x व्हिच इज 2 साइन x इंटू कॉस x। तो मैं अगर आपको साइन x का फॉर्मूला बताऊं तो बेटे देखो यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड में 2x को आधा करके x कर दिए, तो राइट हैंड साइड में भी एंगल x को आधा करके x बाई 2 कर दो। ये हो गया। तो बेटा अगर मैं आपको 1 माइनस कॉस x बाई साइन x बोलूं, 1 माइनस कॉस x के जगह हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन x के जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। वेल 2 कैंसल इच अदर आउट। ऊपर देखो बेटे साइन x बाई 2 दो बार मल्टीप्लाई किया गया है, नीचे एक बार है तो कट जाएगा ऊपर से एक बार, तो साइन x बाई 2 बाई कॉस x बाई 2 कितना हो जाएगा, टैन x बाई 2। तो बिल्कुल उसी तरह ये वाला भी डिराइव होता है। तो ये टिप नंबर 2 कि आपको टैन x बाई 2 अगर दे देगा। अच्छा, कहाँ पर ये काम आएगा ये फॉर्मूला, वेयर टू यूज मोस्ट ऑफ द टाइम, कहाँ पर यूज करना है आपको, कभी अगर आपको tan पाई बाई 8 पूछे, बेटे देखो पाई बाई 8 होता है पाई बाई 4 बाई 2, तो ये tan x बाई 2 का फॉर्मूला लगा सकते हो। tan पाई बाई 12 पूछे जो कि होता है पाई बाई 6 बाई 2 लगा सकते हो। गॉट इट? तो ऐसे सिनेरियो में, इन सच सिनेरियोस यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड इजीली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8 एंड tan पाई बाई 12। सुबह किया था इसको, सुबह इसको कर दिए थे, राइट? रिमेंबर एवरीबॉडी? और एनीबॉडी हैज एनी डाउट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, टिप नंबर 3 बेटे देखो, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर z ऐसे करके दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन अगर इसी फॉर्मेट में है तो आपको क्या करना है, cos स्क्वायर x के जगह पर लिखना है 1 प्लस cos 2x बाई 2, cos स्क्वायर y के जगह पर लिखना है 1 प्लस cos 2y बाई 2, cos स्क्वायर z के जगह पर लिखना है 1 प्लस cos 2z बाई 2। फिर आगे जो करना है आपको पता चल जाएगा, जैसे कि आज सुबह क्वेश्चन किए थे मिसेलेनियस से, यू रिमेंबर दिस, राइट? राइट? यस सर। यस सर। यस सर। टिप नंबर 4, साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर z ऐसा करके दिया है, तो आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो। हाँ देखो, कभी कभी क्वेश्चन में अगर कोई पर मतलब एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चन में कहीं पर कुछ वेरिएशन होगा वो दूसरा बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही किया जाता है। साइन स्क्वायर x के जगह आपको लिखना होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, साइन स्क्वायर y के जगह लिखना होता है 1 माइनस कॉस 2y बाई 2, साइन स्क्वायर z के जगह लिखता जाता है 1 माइनस कॉस 2z बाई 2, फिर उसको ऐड करना है बस। ओके ओके, दूसरा आते हैं टिप नंबर फाइव, डू नॉट मेक अप योर ओन फॉर्मूलीज, अपना फॉर्मूला मत बना देना बेटे, जो फॉर्मूला टीचर ने पढ़ाया है वही फॉर्मूला वैलिड है, खुद एग्जाम में बैठे हो फॉर्मूला बना दिए, चलो ये एक फॉर्मूला हो गया, मेरा दिमाग बोलता है आई एम ए मैथमेटिशियन, ये फॉर्मूला हो गया, ऐसा नहीं करना है बेटे, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आप मैथमेटिशियन नहीं हो, आप अपना फॉर्मूला मत बनाओगे कभी, जो फॉर्मूला टीचर ने पढ़ाए हैं, जो फॉर्मूला आपके बुक्स में है, दैट फार्मूला, ओनली स्टिक टू दैट फार्मूला,
एंट्रेंस में अगर कोई न्यू फॉर्मूला होगा तो एंट्रेंस टीचर बताएंगे, बोर्ड के हिसाब से जितने फॉर्मूले क्लास टीचर बताएंगे, अपना फॉर्मूला नहीं बनाना है कभी भी। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके, टिप नंबर सिक्स। टिप नंबर सिक्स क्या होता है कि लर्न ऑल दी फॉर्मूली बाय हार्ट। पूरा मतलब सोते वक्त भी कोई पूछे आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, सारे फॉर्मूले पूरा पूरा मतलब पी जाओ उसको, मतलब पूरा गोल भाट के पी जाओ, पूरा हो जाना चाहिए। ये होता है टिप नंबर सिक्स। तो बस इतना ही टिप अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, बाकी अगर टिप कहीं आया तो मैं बताऊंगा, फिलहाल तो इतना ही टिप। हाँ यस, दूसरा टिप। यस, टिप नंबर सेवन, आइडिया आ गया। टिप नंबर सेवन, एंगल सिक्स थीटा आपको दिख रहा है। अरे सिक्स थीटा दिख रहा है, घबराते क्यों हो? सिक्स थीटा को स्प्लिट करके टू इंटू थ्री थीटा करो या फिर थ्री इंटू टू थीटा करो, काम खत्म हो जाएगा। गॉट इट? तो ये एक टिप में बताया, तो ऐसे सारे टिप को आपको फॉलो करना है। फोर थीटा दिया है, फोर थीटा को स्प्लिट करके टू इंटू टू थीटा करो, अपना फॉर्मूला मत बनाने लग जाना, राइट? ओके, तो दीज आर द टिप्स यू मस्ट फॉलो, दीज आर द टिप्स यू मस्ट फॉलो। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। हेलो सर। हाँ यस सर, मैंने क्वेश्चन एक भेजा था एग्जाम्पलर का, उसने वो बहुत बड़ा प्रोसेस। यस यस यस, आज मैं जो कर रहा हूँ वो पहले करते हैं, बाद में हम देखते हैं, राइट? डू नॉट वरी अबाउट इट, मैं करूँगा उसको, मैं प्रोसेस में जाता हूँ। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन डन सर। यस सर। डन। यस सर। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। ओके, बार बार बेटे मैं फिर से बोल रहा हूँ, खुद को कभी भी कंफ्यूज मत करो। जो सवाल मैं दे रहा हूँ, फर्स्ट डू दोज क्वेश्चंस, उसके बाद मैं खुद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे से दूंगा। मैं दूंगा एक टाइम में आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और मैं जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ आप पूछो, बाकी स्कूल में उधर भी क्वेश्चन भी नहीं देते हैं, धराधर मतलब 7-8 दिन में चैप्टर खत्म चले जाते हैं। तो डू नॉट वरी अबाउट इट, सारे क्वेश्चन मुझ पे छोड़ो, जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ फर्स्ट डू देम, अपने मर्जी से बुक बुक पकड़ मत बैठ जाओ। गॉट इट? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, है सर। ओके, तो मैं आपको आज का जो लेसन है इसमें हम क्या करेंगे कि जो असाइनमेंट आपको दिया था उसी असाइनमेंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, सो पे अटेंशन। अच्छा, आज थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा देर तक चलेगा, अभी एवरीबॉडी ओके हुई थी, थोड़ा सा देर होगा। तो बेटा एक सबसे इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट tan pi by 4 प्लस थीटा प्लस tan pi by 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 sec 2 थीटा। फिलहाल ये क्वेश्चन को जब आप देखते हो तो आपके दिमाग में तुरंत इसका फॉर्मूला याद आना चाहिए, राइट? सबके दिमाग में इसका फॉर्मूला आता है, राइट? तुरंत। यस सर। ओके, तो बड़े LHS क्या याद रखा है, tan pi by 4 प्लस थीटा प्लस tan pi by 4 माइनस थीटा। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला डालते हैं व्हिच इज व्हाट, 1 प्लस tan थीटा, क्या हेलो क्या बोल रहे हो? अरे क्या हुआ फिर से? देखो बोल के चुप हो जा रहे हो, क्या हुआ? ओके ठीक सर, अविनाश कह रहा है कि उसे आपका आवाज नहीं आ रहा है। उसे मेरा आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है, देखते हैं। अच्छा बेटे एक काम करते हैं, इधर हम क्या करते हैं, एक काम करें, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, ये और भी इजीली हो जाएगा। LCM बेटे देखो, और भी इजीली हो जाएगा, मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है, चलो ट्राई करते हैं पहले। हाँ देखो, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। ये जो दे रखा है tan pi by 4 plus theta, इसको कर देते हैं sin pi by 4 plus theta,
डिवाइड बाई कॉस पाई बाई फोर प्लस थीटा प्लस इसको कर देते हैं साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा डिवाइड बाई कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा. गॉट इट? ओके ओके बेटे नीचे एलसीएम ले जाते हैं. एलसीएम अगर ले जाएंगे तो कॉस पाई बाई फोर प्लस थीटा इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा और ऊपर क्या होगा ना साइन पाई बाई फोर प्लस थीटा इंटू कॉस पाई फोर माइनस माइनस थीटा प्लस साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा इंटू कॉस पाई बाई फोर प्लस थीटा. एवरीबॉडी गॉट इट? यस ओके ओके बेटे न्यूमरेटर में आप देख सकते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला में है. देख रहे हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जो कि क्या होता है साइन ए प्लस बी. ये हो गया पाई बाई फोर प्लस थीटा प्लस पाई बाई फोर माइनस थीटा राइट. दिस इज ए दिस इज बी समझ रहे हो ना ए प्लस बी किया. ओके और नीचे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है. देख रहे हो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है. कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है. एंड कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है बेटे? कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. अरे रिमेंबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. यस ओके ओके दूसरा फॉर्मूला इसका है बस ए बी को चेंज कर दो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए. हाँ तो बस एक ही लगाते हैं पहला वाला लगाते हैं. तो इधर लगाते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और ए क्या है पाई बाई फोर. तो क्या कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस साइन स्क्वायर व्हाट? थीटा. ओके बेटे ऊपर जरा ऑब्जर्व करो पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर कितना होता है? पाई बाई टू राइट. पाई बाई टू राइट पाई फोर प्लस पाई फोर और ये थीटा माइनस थीटा कट गया राइट. फिर क्या हो गया ऊपर पाई बाई फोर प्लस पाई फोर इज पाई बाई टू राइट. 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज 90 डिग्री डिवाइडेड बाय नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई फोर व्हिच इज 1 बाय रूट 2. उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा. बेटे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई टू? दिस इज 1 राइट. 1 डिवाइडेड बाय हाफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अभी हमारा काम है आरएचएस को देखना क्योंकि आरएचएस के हिसाब से हम जाएंगे. नाउ व्हाट इज आवर आरएचएस? हमारा आरएचएस क्या देता है बेटे? 2 sec 2 थीटा. आरएचएस इज 2 sec 2 थीटा राइट. दिस इज आवर आरएचएस. ओके यस सर. बेटे देखो पहले तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ ऑलरेडी क्योंकि अगर नीचे 2 एलसीएम ले जाता हूँ ऊपर 2 चला जाएगा. मैं बहुत ऑलरेडी खुश हो चुका हूँ और उसका नेक्स्ट स्टेप भी मुझे मालूम चल गया है कि नीचे अगर 2 एलसीएम लिया जाएगा तो इधर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है कॉस 2 थीटा. 1 बाई कॉस 2 थीटा सेक 2 थीटा. बस करने से पहले मुझे मालूम चल गया सारा चीज़. देखो आप भी थोड़ा सा बस टाइम लेना चाहिए. मेंटल एक्टिविटी है. देखो बेटे डिनोमिनेटर में ये फ्रैक्शन में मैं 2 एलसीएम लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा राइट. चेक कर लो. यस सर. ये 2 ऊपर चला जाएगा राइट. 2 बाई एंड व्हाट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस 2 थीटा. कॉस 2 थीटा राइट. कॉस 2 थीटा हैज 4 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले उसमें से एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. And what is 1 by cos 2 theta? Isn't it sec 2 theta? 2 sec 2 theta. Yes. Okay. तो ये सवाल आपको याद रखना है. ये एक टाइप है. ये सवाल आपको याद रखना है. अगर ऐसा देता है तो ये मेथड ज़्यादा ईजी है. हाँ जैसे मैं उस टाइम में करता था 1 प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा शायद उसमें हो सर टेन में थोड़ा कम. ओके आई थिंक हो जाएगा कम स्टेप में हो जाएगा. पर ठीक है जब जो भी मेरा दिमाग में आया मेरा दिमाग में ये आया तो मैं ऐसे किया
आप अगर ट्राई कर सकते हो खुद टैन टैन पाई बाय फोर प्लस थीटा का फॉर्म लगा के डायरेक्ट वन प्लस टेन थ्री वन माइनस टेन थ्री हो सकता है, यू कैन डू इट, वट एवर यू कैन ट्राई ट्राई फॉर योर सेल्फ, हो जाएगा, सारे मेथड से होते हैं। तो बस आपको बस एक ही मेथड प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाए कौन सा मेथड इजी है। ओके सो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट। डन सर। डन यस सर। ओके डन सर। डन सर। डन। ओके डन सर। ओके ओके डन सर। ओके अगेन आई एम टेलिंग यू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम विल कम फ्रॉम प्योरली एनसीईआरटी, सो स्टिक टू एनसीईआरटी फर्स्ट, complete NCERT, all its examples and everything, and the extra questions I will discuss. Okay. Next question, चलो बेटे करते हैं, prove that cos 10 degree into cos 30 degree into cos 50 degree into cos 70 degree is equal to 3 by 16. और इसको करने से पहले फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूँ आपको, अगर याद है तो कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा। ये फॉर्मूला आपके दिलो दिमाग में रह जाना चाहिए, पूरा रगो रगो में दौड़ना चाहिए खून बन के। ओके फिर आपको क्वेश्चन देख के डाउट करना है, क्वेश्चन देख के कुछ चक्कर समझना है कि एग्जाम ये जो उसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है वो क्यों ऐसे बनाया है, कुछ तो चक्कर होगा, थोड़ा सा सोचो। हाँ मेरे दिमाग में ये आ रहा है, इधर 10 है और 60 माइनस 10 50 होता है और 60 प्लस 10 70 होता है। हाँ समझ गए ना, 60 माइनस 10 50 होता है, 60 प्लस 10 70 होता है। हाँ मतलब ऐसा कुछ चक्कर है बस। तो मैं जो LHS से देखो आंखों में धूल चौका गया है बेटे, कॉस 30 को सेपरेट कर दो, लास्ट को मल्टीप्लाई करो क्योंकि उसका वैल्यू हमें पता है कॉस 30 डिग्री, वो बीच में जानबूझ कर रखा गया था ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, उसको लास्ट को रख देते हैं। तो कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री इज व्हाट, कॉस 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री इज व्हाट, कॉस 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, जिसका वैल्यू हम इसके नेक्स्ट स्टेप में डाल देंगे रूट थ्री बाई टू। वेल यू कैन कंपेयर दिस विथ दिस, चेक करो थीटा के जगह 10 लिखा है, थीटा के जगह बस 10 लिखा है, चेक करो थीटा के जगह 10, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1/4 कॉस 3 थीटा, तो 3 इंटू थीटा क्या है बेटे 10 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, तो 1/4 ये हो गया कॉस 30 डिग्री जिसका वैल्यू है रूट थ्री बाई टू, ये भी हो गया कॉस 30 जिसका वैल्यू रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 डिवाइड बाई 4 जाए 2 8 8 जाए 2 16, आर वी क्लियर? ओके यस सर। ओके टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर। यस सर। टेक इट टेक इट टेक इट। यस सर। डन। यस सर। ओके यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ कि प्रूव दैट साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू रूट थ्री बाई 16। वेल मैं फार्मूला लिख देता हूँ, पहले साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू वही 1/4। सर इन द क्वेश्चन इट इज साइन 60 डिग्री साइन 50 डिग्री। हाँ यस डोंट वरी अबाउट इट, मैं दिखा दूंगा आपको क्या चीज है। देखो बेटे ये ना आपको धूल चौकने के लिए आपको दिया गया है, इसका वैल्यू आपको पता है, फॉरगेट अबाउट इट, इसका वैल्यू रूट थ्री बाई टू है, फॉरगेट अबाउट इट, इसका वैल्यू आपको पता है, डोंट वरी अबाउट इट। इधर देखो बेटे 10 60 माइनस 10 60 प्लस 10, चक्कर इसी का है राइट, चक्कर समझना है बेटे आपको, चक्कर समझना है पहले। तो LHS को पहले लिखता हूँ साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 इज व्हाट, साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज व्हाट, साइन 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री लास्ट को रख देता हूँ। एवरीबॉडी गॉट इट?
और ये इसी फॉर्मूला के साथ मैचिंग मैचिंग, इसी फॉर्मूला के साथ मैचिंग मैचिंग, राइट, मैचिंग मैचिंग। ओके तो क्या लगाएंगे, दिस इज 1/4 साइन थीटा एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज 10 डिग्री इनटू साइन 60 डिग्री इनटू रूट 3 बाय 2। ओके व्हाट इज साइन 30 डिग्री 1/2, व्हाट इज साइन 60 डिग्री 1/2, तो दिस इज व्हाट 3/2 रूट 3 बाय 16। Got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, take the screenshot. Take it. Done? Done, sir. Okay. Yes, sir. ओके okay. मैं धीरे 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 करके डिफिकल्टी के तरफ जाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि तू सडनली डिफिकल्ट करा दूंगा तो बोर हो जाओगे, धीरे धीरे करके डिफिकल्टी के तरफ जाएंगे। हाँ ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बेटे आते हैं, यस ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन सुबह किए थे बस कॉस स्क्वायर को लेकर किए थे, तो आज साइन स्क्वायर को लेकर करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट, मिसेलेनियस का क्वेश्चन आपका था cos square a plus cos square x plus 5 by 3 plus cos square x minus 5 by 3 is equal to 3 by 2। इधर दे रखा है sin square a plus sin square a plus 5 by 3 plus sin square a minus 5 by 3। बेटा और एक बात मैं आपको बताता हूँ, मेरा most of the answers, मैं जितने answer करता हूँ most of the answers मैं खुद बना खुद करता हूँ, जो मुझे ठीक लगता है easy लगता है मैं उसको आपको देता हूँ। तो आप अगर मेरा आंसर ना देख के दूसरे बुक से आंसर देखोगे तो चलेगा, ठीक है देखो, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना अगर वहाँ पर डिफिकल्ट के तरह डिफिकल्टी करके दिया है, क्योंकि वो देगा बहुत सारे बुक्स में सेम इजी क्वेश्चन को डिफिकल्ट करके आंसर देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे जो मैं बस आपको इजी तरीका बता रहा हूँ, टिप्स बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ। ये क्वेश्चन आप दूसरे बुक्स में दिखोगे तो इधर उधर करके उसको इधर उधर फॉर्मूला लगाए बस क्या है। बट देखो बेटे मैंने आपको बताया था, अभी बताया था टिप, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर जेड अगर देता है तो क्या करना है आपको बताया था, राइट, वही मैं करने जा रहा हूँ। और इजी दिखाने के लिए थोड़ा टाइम के लिए लेट ए प्लस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू अल्फा, इजी दिखाने के लिए बस, एंड ए माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो इजी बनाना बहुत अच्छा है। क्यों होता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, अभी सर ने बोले थे कि अगर अरे प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या, प्रूव दैट उसके बाद क्या है, ओके प्रूव दैट आधा लिखा हूँ, ओके इज इक्वल टू 3/2 शायद दिया है, वन सेकेंड, यस 3/2। तो जैसे कि मैंने बताया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर साइन जो जेड फॉर्म में है, तो आपको साइन स्क्वायर ए का जगह 1 cos 2a/2 लिखना है, साइन स्क्वायर अल्फा का जगह 1 cos 2α/2 लिखना है, साइन स्क्वायर बीटा का जगह 1 cos 2β/2 लिखना है। गॉट माई पॉइंट, राइट, ओके। नाउ टेक 2 LCM, तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर पूरा ऐड हो जाएगा, क्योंकि सब में सबके बीच में एडिशन है, किसी का साइन चेंज नहीं होने वाला है, एडिशन है तो साइन चेंज का कोई टेंशन नहीं है, राइट, अगर कहीं पर सब्ट्रैक्शन होता तो ये साइन फाइन चेंज हो जाता है, सब एडिशन है। बटे 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, माइनस कॉस 2a माइनस कॉस 2α माइनस कॉस 2β। तो इधर ही मुझे पता चल रहा है कि मुझे आंसर में 3/2 चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है, ऊपर 3 है नीचे 2 है, मतलब ये चीज़ कैसे कैसे जीरो हो जाएगा, तो वो मुझे अंदाजा लग गया, ताकि मैं कभी भटकू नहीं है। अगर आपको अंदाजा लग जाता है कि आंसर कैसा होने वाला है, शायद कैसा होने वाला है, तो आप कभी भटकोगे नहीं, नहीं तो भटक जाओगे बीच बीच में, कन्फ्यूज जाओगे 3 का क्या करें उसका क्या करें। तो RHS में देखो, RHS में 3 है तो 3 को कुछ करना नहीं, उसको छोड़ दो। हाँ ओके बेटा, अभी क्या करते हैं, ये जो अल्फा है, ये अल्फा फिर थोड़ी ना पहले से अल्फा था, अल्फा की जगह लिखो जो अल्फा था a प्लस पाई बाई थ्री माइनस कॉस टू। बेटे बीटा थोड़ी ना बीटा पहले से था, a माइनस, अच्छा a प्लस पाई बाई थ्री था तो, या क्या था, हाँ यस a माइनस पाई बाई थ्री
12 डिवाइड बाय 2, ओके, सो दिस इज 3 माइनस कॉस 2a माइनस 12, ये क्या हो जाता है कॉस 2a प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस कॉस 2a माइनस 2 पाई बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 2। और बेटे मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके इन दोनों को ब्रैकेट में रख दे के बीच वाला माइनस को प्लस बना दूं। अरे गॉट इट, हेलो, हाँ यस यस सर, मैं तो समझ नहीं पाया कहाँ कौन से जगह पर सर ये जो आपने कन्वर्ट किया उस टू अल्फा को ए प्लस फाइव बाय थ्री वो ही सर। अरे अल्फा शुरू से थोड़ी ना था, आपने a प्लस पाई बाई थ्री को अल्फा लिखा था। नो सर, नो सर, कौन सा यहाँ पर जो ब्रैकेट दिया लास्ट जो सेकंड है, ये जो ब्रैकेट दिया तो सेकंड वाला ये यस सर, वो वाला यस सर, वो वाला तो कुछ नहीं किया हूँ, बस ये जो अल्फा लिखा है ना, अल्फा की जगह लिख दिया a प्लस टू पाई a प्लस पाई बाई थ्री, बीटा की जगह लिख दिया a माइनस पाई बाई थ्री, और कुछ नहीं किया। Got it? Okay, sir. Sir. Hmm. Yes, sir. Sir, we could take minus common out from first formula. Minus common and cos 2a plus cos 2a plus 5 by 3. Minus मतलब देखो बेटे, इधर क्या है आपका माइनस माइनस है ना, आपको जब माइनस फाइव माइनस थ्री दिया जाता है तो क्या करते हो, माइनस कॉमन लेके फाइव प्लस थ्री कर देते ना अंदर, चलेगा, लेकिन लेकिन काहे भाई काहे कॉम्प्लिकेटेड करते हो, छोड़ो ना उसको, इस दोनों को करता है तो ये माइनस चलेगा, वेरी गुड, वाई नॉट सेम थिंग, वाई नॉट सेम थिंग, यस यू कैन डू इट, यस पक्का कर सकते हो, यस कर सकते हो, मैं आपको डिस्करेज नहीं करूँगा, आपके मेथड कर सकते हो, वेरी गुड, मैंने चलो ठीक है। तो बेटे जब आप इस चीज को देखते हो तो आपको क्या याद आता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, cos a plus b plus 2 cos a cos b, yes मैंने भी का फॉर्मूला याद आता है, which is 2 cos a cos b। अभी अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो इधर आपको छोड़ के आना पड़ेगा एग्जाम में, है ना, और टीचर और हमें समझ में आ जाएगा कि आप उतार दिए हो किसी से इधर तक, हाँ तो आपको पूरा फॉर्मूला याद रहेगा तो ही कर पाओगे आगे चल के, नहीं तो यहाँ से रुक जाओगे क्योंकि ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो, और कुछ नहीं कर सकते। तो बड़ी इधर लगाते हैं 2 cos a इंटू कॉस बी, और a यहाँ पर क्या है 2a, राइट, 2 cos 2a इंटू कॉस बी, बी क्या है 2 पाई बाई 3, आई होप यू गॉट इट, राइट, ऑल डिवाइड बाई 2, यस सर, यस सर, ओके बेटे, वन थिंग लेट मी टेल यू, अगर आपको ये वैल्यू याद रह जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको अननेसरी और स्टेप लगाना पड़ता है। बेटे आप इसको याद रख लो ना, रॉफ में करके याद रख लो बेटे, अगर देखो 2 पाई बाई 3 होता है क्या 120 डिग्री, हाँ 2 इंटू पाई बाई थ्री होता है 60 डिग्री, 2 इंटू 60 डिग्री होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब क्या होता है कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, अभी 180 डिग्री है तो कॉस चेंज नहीं होगा, अच्छा 180 डिग्री माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव तो माइनस लगाया, फिर कॉस चेंज नहीं होगा कॉस, फिर 60 डिग्री, और कॉस 60 कितना -1/2, तो cos 120 डिग्री का वैल्यू अगर -1/2 याद रख लोगे तो यहाँ पर एक स्टेप बच जाएगा आपका, कि cos 120 डिग्री या फिर cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू -1/2, इट इज़ अप टू यू, यू मेमोराइज इट, इट विल बी फॉर योर गुड ओनली। तो ये हो गया 3 माइनस cos 2a माइनस 2 cos 2a इंटू व्हाट इज दिस, दिस इज -1/2 डिवाइड टू 2 कट गया, और बेटे देखो ये क्या हो गया 3 माइनस cos 2a, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस cos 2a
डिवाइडेड बाय टू कॉस टू ए, कॉस टू कट गया 3/2। गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, सुबह ही ऐसा ही सवाल किए थे राइट, सुबह ऐसा सवाल किए थे, सेम टू सेम सवाल अभी किया, बस कॉस स्क्वायर वाला था, ये साइन स्क्वायर वाला किया। बस क्या आप देखिए कि एक टाइप का क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे हैंडल करना है इस क्वेश्चन को। गॉट इट? यस सर। ओके टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर डन। ओके डन सर। ओके टेक इट डन। यस सर। यस सर टेक इट डन। यस सर डन। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी क्वेश्चन का लेवल और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा लेवल अच्छा करता हूँ क्वेश्चन का। पे अटेंशन, पे वेरी क्लोज अटेंशन। ओके क्वेश्चन है कि आर डी शर्मा का भी क्वेश्चन है और जो असाइनमेंट दिया था उसमें भी दिया था। ये जो क्वेश्चन है अच्छे अच्छे सवाल है, इसको हम और में कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में डाल देते हैं और में, लेकिन उसके और में भी एक ईजी क्वेश्चन आया होगा एनसीईआरटी से, तो डोंट यू वरी अबाउट इट। लेकिन सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, सारे बच्चों को पूरा अच्छे से पूरा प्रिपेयर कराया था, डिफिकल्ट प्रिपेयर कराया था, लेकिन गधे थे, लास्ट को गधे थे, पूरा बर्बाद करके बैठ गए। मतलब इजी क्वेश्चन को कुछ थे, कुछ गधे थे, चार पांच गधे बर्बाद कर दिए, बाकी सब अच्छे कर दिए, लेकिन चार पांच तो हमेशा होते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, फर्स्ट कम्प्लीट एनसीईआरटी। ओके तो सर व्हाट वी हैव टू डू? हाँ क्या हुआ टू हैव टू डू मतलब? नहीं सर वो साइन 16 है बाय 16 साइन लिखूं। ओके 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 सो दिस इज योर क्वेश्चन, यू हैव टू प्रूव दिस। बेटे आते हैं एलएचएस पे। हां एलएचएस पे, एलएचएस में पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा इस एलएचएस को स्टडी करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको पहले से बोल देता हूँ, यहाँ पर हम एक गेम खेलेंगे और वो गेम का नाम है स्नेक एंड लूडो। आप खेलते हो ना स्नेक एंड सॉरी लैडर, लैडर स्नेक एंड लैडर तो खेलते हो ना लूडो में? यस सर। हाँ यस सर। स्नेक क्या कर, स्नेक क्या कर, ओके ओके ओके, या फिर जो मोबाइल मोबाइल फोन में जो होता है, स्मार्टफोन में स्नेक्स गेम होता है, उसमें क्या करता है सांप धीरे धीरे एक एक बॉल को खाता है, बड़ा हो जाता है धीरे 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 बड़ा होता रहता है राइट? यस सर। फिर नेक्स्ट बॉल पे तो और बड़ा होता है, वही चीज इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। एंड दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर ऐसा सवाल आएगा तो ऐसा ही करना है इसको, दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमेशा ऐसा ही आएगा, अगर आएगा तो ऐसा ही आएगा। तो बड़े देखो क्या करते हैं, नीचे जरा देखो आरएचएस का। यस यस देखो बेटा, जरा देखो बेटा आरएचएस में नीचे 16 साइन ए कहाँ से आया? हाँ साइन ए कहाँ से आया? इधर तो सारे कॉस 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 है, ऊपर साइन 16 ए कैसे हो गया? मतलब ये तो ए 2 ए 4 ए 8 ए उसके बाद 16 ए डायरेक्ट साइन 16 ए कैसे आ गया? तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि ऊपर एक 2 साइन ए और नीचे के 2 साइन ए में मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो देखो आप खुद देखो क्या होगा। मैं एक 2 साइन ए इस पूरा एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करता हूँ, पूरा एक्सप्रेशन में एक 2 साइन ए मल्टीप्लाई करता हूँ, और देखो बेटा मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा चीज मल्टीप्लाई किए हो तो उसको डिवाइड भी करना है राइट? तो इधर तो मुझे उधर तो मुझे कुछ आइडिया गया, नीचे के साइन ए आ गया और ये 2 आ गया तो कैसे कसके 218 होगा, कैसे कैसे करके आ गया, चलो देखते हैं बाद में देखते हैं उसको। बेटे मैं जब इसको देखता हूँ 2 साइन ए इंटू कॉस ए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2 ए, साइन 2 ए इंटू कॉस 2 ए इंटू कॉस 4 ए इंटू कॉस 8 ए डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 साइन ए। ओके तो बेटे मल्टीप्लाई, यस अब मेरे दिमाग में ये आइडिया, ये साइन 2 ए है, ये कॉस 2 ए है, हां बस 2 का कमी है, 2 हो जाएगा तो ये कॉस साइन 4 ए हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं
इसको देखते ही मुझे ख्याल आता है कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला साइन है। फोर ए हो जाएगा। देखो साइन फोर ए हो जाएगा, चेक करो, साइन टू यस इंटू टू ए। एवरीबडी गॉट इट? यस सर ओके। यस सर डिवाइडेड टू इंटू टू फोर साइन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यस बेटे बेटे बेटे, एक चीज नजर एक चीज जरा नोटिस करो, बस हमें हम बस एक एक साइन को इंट्रोड्यूस कर दिए यहाँ पर, बस हम एक साइन ए को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, एक साइन ए को इंट्रोड्यूस करिए और हर स्टेप में टू टू मल्टीप्लाई करें, बस इतना ही कर रहे हैं। लेकिन ये साइन ए को जो इंट्रोड्यूस कर दिए वो धीरे 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 ये वाला साइन ए खा खा के जाता है। देखो बेटे, पहला साइन ए कॉस ए को खा गया, साइन ए इंटू कॉस ए टू मल्टीप्लाई होकर साइन टू ए हो गया, फिर ये साइन टू ए इस कॉस टू ए को खा गया, टू के साथ साइन फोर ए बन गया, सांप सांप जैसे खाता रहता है बेटे, समझ रहे हो ना? यस सर। फिर यस ऊपर एक सर। टू मल्टीप्लाई करो, नीचे का टू मल्टीप्लाई करो, इधर आ जाएगा। देखो टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, तो ये हो जाएगा साइन एट ए। देखो ये साइन फोर ए इसको खा के साइन एट ए हो गया, इंटू कॉस एट ए डिवाइडेड बाई ये हो गया एट साइन ए। अब बेटे ऊपर और एक टू मल्टीप्लाई करके नीचे और एक टू मल्टीप्लाई करो, ऊपर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो हो जाएगा साइन टू थीटा, मतलब साइन ए सिक्सटीन ए डिवाइडेड सिक्सटीन ए बाय सिक्सटी साइन ए। ओके दिस इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके 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 एनसीईआरटी का बाहर वाला क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट, डन डन सर। यस सर डन। ओके टेक द स्क्रीनशॉट, डन यस सर डन सर। ओके ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गिव मी अ सेकंड। यस 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 ओके ओके यस। क्वेश्चन इज कि कॉस 20 डिग्री इनटू कॉस 40 डिग्री इनटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पूछा है प्रूव में। कॉस थीटा प्लस कॉस 60 माइनस थीटा। यस गाइस गाइस जरा नोटिस करो, 20 60 माइनस 20 क्या होता है 40, 60 प्लस 20 क्या होता है 80, समझ रहे हो ना? 60 माइनस 20 40, 60 प्लस 20 80, ये बस आपको नोटिस करना, ऑब्जर्वेशन का जरूरत है, ऑब्जर्वेशन का जरूरत है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा। ओके ओके तो बेटे जो 1/16। यस हाँ, जो लोगों को थोड़ा, यस 1/16 वेरी गुड, जो लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा है या फिर थोड़ा सा कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है, वीडियो का आप देख सकते हो, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो और वीडियो में सेंड कर दूंगा तुरंत। ओके तो बड़ी इधर बस थीटा का जगह 20 लिखा है, ये तीनों का चक्कर है, इसको इसको साइड कर दो, इसको साइड कर दो, ये तीनों का चक्कर है। ये होता है 60 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री और कॉस 60 डिग्री जो 1/2 साइड कर दिया इसको लास्ट को, बेटे समझ रहे हो ना? एक लिखूंगा दिस इज कॉस 60 डिग्री 1/2। ओके और ये आ गया बेटे हमारा 1/4 कॉस 3 थीटा, मींस 3 इंटू 20 डिग्री, राइट? थीटा इज 20 हियर 1/2। ओके दिस इज कॉस 60, राइट? कॉस 60 इज 1/2 ओके 1/16। ओके सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके बेटे यस सर। ओके बेटे मैं आपको एक आइडिया दूंगा, आइडिया फॉलो करोगे, अगर मेरा आइडिया फॉलो करोगे तो आपका ट्रिगोनोमेट्री पूरा हो गया समझो, एक आइडिया दूंगा फॉलो करोगे, जो असाइनमेंट का क्वेश्चन, यस सर। ओके जितने आज जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और जो बाकी है, मैं जो कर भी दे रहा हूँ उसको भी आप फिर से करो, खुद से करो तो आपके दिमाग, हाँ यस यस हेलो यस है। देखो हेलो बोल के चुप हो जाते हो, क्यों मुझे कंफ्यूज करते हो, हेलो बोल के काहे चुप होते हो? चलो ठीक है,
ये फॉर्मूला बेटा देखो, टैन थीटा इंटू टैन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू टैन 60 डिग्री प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला में 1/4 नहीं है, खाली डायरेक्ट टैन 3 थीटा, इसका फॉर्मूला में 1/4 नहीं याद रहेगा। यस सर, वो जो यस सर बढ़ने से 1/4 1/4 कट जाएगा sin थीटा पे। वेरी गुड वेरी गुड, लास्ट क्वेश्चन बोला था। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके डन सर। ओके 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 ओके। हाँ यस सर, ठीक है सर, मो डाटा एक्चुअली सब सॉरी होला तो मते के क्लास क्लिप पूरा पढ़ू जी। ओके ओके, डोंट वरी, आई एम रिकॉर्डिंग, आई एम रिकॉर्डिंग, डोंट। ओके ओके बेटा, क्वेश्चन लेवल थोड़ा और डिफिकल्ट बनाता हूँ, कितने बच्चे हैं 50। ओके चलो, क्वेश्चन लेवल थोड़ा और डिफिकल्ट बनाता हूँ। हाँ, क्वेश्चन है कि वॉज दैट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम साइन एक्स प्लस एन कॉस एक्स, इसका वैल्यू निकालो इफ कैन एक्स बाई टू इज इक्वल टू एम बाई एन। ये हमें गिवेन है, ये गिवेन है टैन एक्स बाई टू इज इक्वल टू एम बाई एन, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा जरा एक एक बात, सर एन, हाँ यस, ये सुबह कर दिए थे बी सेक्शन में। ओके यस सर। ओके देखो बेटे, टैन एक्स बाई टू, हाँ तुरंत आपके दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए ना, तुरंत टैन एक्स बाई टू का इजी फॉर्मूला है 1 - cos x / sin x। According to the question, this is equal to m by n. According to the question, this is equal to m by n. According to the question, right? Because this is m by n. Yes, sir. अगर cross multiplication कर दे, तो n minus n cos a cos x is equal to m sin x. तो बेटे m sin x. Sir. हाँ, yes. Sir, इसका answer n. Yes, n. Yes, very good. m sin x plus n cos x is equal to. Got it? Hello. Yes, sir. Okay, take the screenshot. Done, sir. Okay. बेटे tired अगर हो, जब हो जाओगे बोलोगे, मैं क्लास रख दूंगा, फिर बाद में कभी करेंगे। Okay. Next question बेटे करते हैं। Okay. ये वाला सवाल है आपका, give me a second. कहाँ था साइन टू दी पावर 4। कहाँ था भाई, 1 सेकेंड। ओके नहीं रहा है भाई, अभी देखा था वो सवाल को। साइन टू दी पावर 4 था एक सवाल रे, साइन टू दी पावर 4 करके कुछ सवाल था, किसको याद आ रहा है? ओके, किसको याद नहीं आ रहा है? चलो वेरी गुड वेरी गुड, यस सर। ओके, cos टू द पावर 4 का एक फार्मूला था। हाँ यस यस, मिल गया क्वेश्चन मिल गया। ओके गाइस, क्लास रखते हैं यहीं पर या फिर कंटिन्यू करें? सर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू, ओके बोलोगे, जहाँ पर रुकने के लिए बोलोगे ठीक है। ओके, प्रूव दैट cos टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos टू द पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस cos टू द पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस cos टू द पावर 4 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 3/2। तो ये क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, सॉरी बाद में इसको प्रूव करेंगे, पहले तो कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ नोटिस करते हैं, क्या कुछ गड़बड़ी है, क्या क्वेश्चन क्वेश्चन सेट ऐसे क्या गड़बड़ी। यस बेटे, जरा नोटिस करो इन दोनों को, जरा इन दोनों को नोटिस करो, जानबूझ के उसने उस सेपरेट करके लिखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। जब न्यूमरेटर में पाई प्लस सेवन पाई ऐड कर, मतलब जब न्यूमरेटर में 1 + 7 है, मिलके 8 होता है, राइट? 7 + 1 8 होता है, राइट? यस सर। इन दोनों का चक्कर देखो, 3 + 5 8 होता है, right? Eight. बस eight. बस तो इससे मुझे एक आइडिया आ गया,
क्यों ना मैं इन दोनों में से किसी एक को रख के दूसरे को कन्वर्ट कर दूं, फिर इन दोनों में से किसी एक को रख के दूसरे को कन्वर्ट कर दूं। ये सुबह किए, एक को रखते हैं दूसरे को कन्वर्ट कर देते हैं। देखो बेटे, एलएचएस दे रखा है कॉस टू दी पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8। चलो मैं इन दोनों को वैसा का वैसा रखा, अब इस महापुरुष को चेंज करते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो बेटे देखो, 5 पाई बाई 8 इज इक्वल टू पाई माइनस 3 पाई बाई 8, राइट? कैसे मुझे पता चला? क्योंकि 3 पाई बाई 8 प्लस 5 पाई बाई 8 इज इक्वल टू क्या होता है? पाई होता है ना, 8 8 कट जाएगा पाई हो जाएगा। चेक कर लो ये दोनों को ऐड करके, इससे पता चला। यस सर। प्लस इधर इसको कांस्टेंट रखता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, तो 7 पाई बाई 8 को कर देता हूँ पाई माइनस पाई बाई 8। मुझे ढूंढना कहीं पर नहीं है, जो दिया है बस उसको देख के लिख देना है, जो दिया है उसको देख के ही लिख देना है। दिया है पाई बाई 8 दिया है, 3 पाई बाई 8 दिया है, ओके, सोचना नहीं है, ओके। अब आता है रॉफ में करेंगे, रॉफ वर्क है, रॉफ वर्क है ये, रॉफ वर्क। बेटा देखो, मुझे पहले बताओ कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8 का वैल्यू क्या होता है? कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, राइट? कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, सबको याद है? याद है? यस सर। अगर मैं दोनों तरफ पावर 4 ले जाऊं, इसका ही पावर, क्यों ये जो है ये वही है, तो इसका पावर 4 लगेगा, इसका ही पावर 4 लगेगा। तो बेटे देखो, माइनस का पावर अगर इवन लेते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, गायब हो जाता है, तो माइनस को गायब हो गया, फिर क्या हो गया? दिस इज कॉस टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8, राइट? चेक कर लो यस सर। बस दो ही करने वाला हूँ मैं, इधर मैं इसको लिखने वाला हूँ कॉस टू दी पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस, पता चल गया है कि दिस इज कॉस टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8। और अगर थोड़ा सा दिमाग में बुद्धि है तो इधर ही बस आप कर सकते हो रॉफ वर्क को देख के ही, कि पाई माइनस अगर पाई बाई 8 करो तो माइनस कॉस पाई बाई 8 हो जाएगा, पावर 4 लोगे तो माइनस कॉस पाई बाई 8 का पावर 4 कॉस टू दी पावर 4 पाई बाई 8 हो जाएगा। चेक करो इसका वैल्यू, गॉट इट? यस सर। ओके सर, ओके ओके। अब देखो मेरे बात सुनो, टोटल कॉमन ले जाएंगे, दो बार, ये दो बार है हाँ, तो 2 कॉस टू दी पावर 4 पाई बाई 8, ये महापुरुष भी दो बार हैं, तो प्लस 2 कॉस टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8। देखो हमें रैंडमली नहीं बढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना के बढ़ रहे हैं, जैसे कि हम अटैक कर एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करने से स्ट्रैटेजी बनाता है, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। यहाँ पर कॉमन लेते हैं पहले, तो देखते हैं उसके बाद क्या कर सकते हैं। Adding and subtracting to sine square pi by 8. No need to do anything like that. चक्कर समझो पहले, चक्कर समझो, डाउट करो बेटे थोड़ा ना। रॉफ में पाई बाई 8 में 3 पाई बाई 8 प्लस टी, वेट थोड़ा बेटे, पाई बाई 8 में 3 पाई बाई 8 रॉफ में ऐड करके देखो जरा क्या निकलता है, मतलब क्या होता है? So that is pi by 2. तो ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हुआ होगा ना, कुछ तो चक्कर है इसका, कोई तो कोइंसिडेंस नहीं होगा ना। तो मैं एक काम करता हूँ, एक को रखता हूँ पाई बाई 8 रखता हूँ, और यहाँ पर cos टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8 के जगह पर मैं लिख देता हूँ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। आप अगर चाहो तो इसको रख के इसको चेंज कर सकते हो, ये आपके मर्जी, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसको भी कर सकते हो, एक को रखना है दूसरे को चेंज करना है। अब बेटे यहां पर करते हैं रॉफ वर्क। देखो बेटे, कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 8, बिकॉज कॉस पाई बाई 2 साइन टू द पावर पाई बाई 8, बिकॉज वी नो दैट साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। दोनों तरफ अगर पावर 4 ले गए,
cos टू दी पावर फोर पाई बाई, क्या हो जाएगा साइन टू दी पावर फोर पाई बाई, राइट राइट ओके यस सर. दिस इज इक्वल टू टू cos टू दी पावर फोर पाई बाई प्लस साइन टू दी पावर फोर पाई बाई. और यहाँ पर एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ पर एक टिप, टिप नंबर एट, लास्ट टिप जो था, टिप नंबर एट. टिप नंबर एट क्या होता है, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, देखो बेटे, सपोज आपको कहीं पर नजर आ गया कॉस टू दी पावर फोर थीटा प्लस साइन टू दी पावर फोर थीटा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही करना होता है. इधर आपको कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ता है. देखो बेटे, कॉस टू दी पावर फोर थीटा इज एक्चुअली व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, राइट. साइन टू दी पावर फोर थीटा इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, राइट. यस सर. तो थोड़ी देर के लिए इसको ए पकड़ लो, इसको बी पकड़ लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी है. क्या चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, 2ab, राइट, प्लस 2ab. तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, माइनस भी करना पड़ेगा, राइट, गॉट इट. यस सर. ओके, तो इधर बड़े आराम से हमें मिल जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा. बेटा देखो, ये क्वेश्चन अगर कहीं पर भी आया, ऐसे ही करना है इसको, और कोई तरीका नहीं, ऐसे ही बस करना है आपको. मोस्ट ऑफ द टाइम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन, वन का स्क्वायर इज वन, वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा. अब बोलोगे सर आगे क्या करना है, देखो बेटा एक बात सुनो, इधर आपके पास कॉस स्क्वायर दो बार कॉस थीटा है, दो बार साइन थीटा है, टू बस एक ही बार है. एक मैजिक देखोगे, इस टर्म में एक टू मल्टीप्लाई करके एक टू डिवाइड कर देते हैं, हाँ, ताकि कुछ वैल्यू चेंज ना हो, गॉट इट. देखो टू फोर कट गया, टू हो जाएगा, यू गॉट इट. हेलो सर. ओके ओके ओके. उसके बाद व्हाट इज दिस, इजंट इट टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर. यस सर. एंड व्हाट इज दिस, इजंट इट साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा का स्क्वायर मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर टू थीटा. तो yes. तो इनवेरिएबली यही चीज हमें बार बार करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो यही ट्रिक हमेशा यहीं पर भी लगाएंगे, कॉस टू दी पावर फोर थीटा प्लस साइन टू दी पावर फोर थीटा दे रखा है, तो मैं वही ट्रिक लगाता हूँ. इसको मैं करता हूँ कॉस टू दी पावर फोर पाई बाई एट प्लस साइन टू दी पावर फोर पाई बाई एट, एक ऐड करता हूँ टू कॉस स्क्वायर पाई बाई एट इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई एट. अगर ऐड किए तो माइनस भी करना पड़ेगा, टू कॉस स्क्वायर पाई बाई एट, वन सेकेंड, टू कॉस स्क्वायर पाई बाई एट इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई एट. वेल I know that this is what, cos square pi by 8 plus sin square pi by 8 ka whole square, right, cos square pi by 8 plus sin square pi by 8 ka whole square, isn't it? Yes sir. Minus 2 cos square pi by 8 into sin square pi by 8. Beta thoda sa dheeraj rakho, ho gaya complete. Okay, main thoda isko to aur jagah dena chahiye tha, tip idhar likh diya. Acha beta, tip ka screenshot agar le jaoge, main tip ko erase kar dunga. If you can take the screenshot of tip right now, I can erase the tip portion. Done, sir. Done. So, main tip ko erase kar leta hu. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Okay. Done. Okay. थोड़ा सा हैंग हो गया, इधर चला गया. अरे हाँ, आया आया, अरे देखो वो डांस कर रहे हैं भाई. अरे क्या भाई, आ इधर आ. ओके ओके, यस हाँ हो गया. सॉरी गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन में, इसके लास्ट क्वेश्चन डिसीजन.
चाहता था और एक क्वेश्चन करने के लिए, लास्ट करता हूँ, टायर्ड हो गया मैं। बट देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन, वन का स्क्वायर वन, राइट, वन का स्क्वायर वन माइनस दिस इज व्हाट, टू कॉस स्क्वायर पाई बाई एट इन टू साइन स्क्वायर पाई बाई एट। एंड बेटे फॉर्चुनेटली यहाँ पर मुझे टू मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बाहर एक टू है ऑलरेडी मल्टीप्लाई होने के लिए, तो इसको हम यूज करते हैं बेटे। हाँ, तो टू को अंदर लेके मल्टीप्लाई करते हैं, टू माइनस फोर कॉस स्क्वायर पाई बाई एट एन टू साइन स्क्वायर पाई बाई एट। तो ये देखो ये अभी अभी क्या था, दिस इज व्हाट, टू साइन पाई बाई एट इन टू कॉस पाई बाई एट का स्क्वायर, चेक करो व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, साइन टू, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, साइन टू थीटा। तो ये हो गया टू माइनस साइन टू थीटा, मतलब साइन ए टू इन टू पाई बाई एट, हाँ इसका स्क्वायर, राइट, टू थीटा, थीटा इज पाई बाई एट, गॉट इट, ये होता है पाई बाई, यस सर, यस सर, टू माइनस साइन पाई बाई फोर का स्क्वायर, साइन पाई बाई फोर इज वन बाई रूट टू, उसका स्क्वायर इज वन बाई टू, टू माइनस वन बाई टू कितना हो जाएगा बेटे, टू का कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू, ओके ओके वेरी गुड सर। ये एक ही मेथड है जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन सा मेथड, समझ में नहीं आया, नहीं सर हम जो अभी किए ना सर, यस, क्या ये सिर्फ एक ही मेथड है और या कोई और है, नहीं 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 यही बस, मतलब इजियर वे, राइट, और कोई अगर वे है तो हमें नहीं करना है, ऐसे करना है, इस इज इजियर वे, ओके, ये सर लंबा पड़ जाएगा सर, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, डन सर, डन, ओके, टेक इट, डन। ये बीच में रॉफ, ये बीच में रॉफ वर्क है, रॉफ वर्क देखोगे कहाँ पर रॉफ वर्क है, देखो, टेक इट, डन, ओके, यस सर, यस, अच्छा तो बेटे क्या करें, और एक लास्ट, और एक लास्ट क्वेश्चन कर दे, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ये फिर फुली टायर्ड, यस सर, बेटे प्लीज बोल दे, नो सर, ओके ओके ठीक है, नो सर, नो सर, ओके, नो सर, एक बुक कर दीजिए, नो सर, ओके, तो एक क्वेश्चन बस कर देते हैं, ये क्वेश्चन मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, एक टाइप आपको करके देखा दिखा दूंगा जो कि कंपोनेंटो डिविडेंडो वहाँ पर यूज होगा, और मैं कंपोनेंट डिविडेंडो आपको ऑलरेडी बता चुका था, उसको बस यूज करना है क्वेश्चन में, वन सेकंड, गिव मी वन सेकंड, लेट मी फाइंड दैट, यस आई गॉट दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा भयंकर लगेगा आपको, बट अगर समझा दूंगा बहुत ईजी हो जाएगा, अगर खुद करते तो बहुत भयंकर लगता। देखो बड़े क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, एंड ये बेटे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एंड टैन x इज इक्वल टू k इन टू टैन वाई, देन प्रूव दैट साइन जेड इज इक्वल टू k प्लस वन बाई k माइनस वन इन टू साइन x माइनस वाई। अब बेटे देखो मेरा बात को ध्यान से सुनो, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अगर खुद देखोगे भयंकर लग रहा है, अरे क्या साइन कहाँ से आ गया, ये के प्लस वन बाई के माइनस वन किधर आ गया, ये टैन का नामो निशान नहीं है, साइन एक्स माइनस वाई कहाँ आ गया, क्या चक्कर है भाई, इधर एक्स प्लस वाई इधर का, भयंकर लग रहा है ना। लेकिन आपको बस एक ट्रिक बताऊँगा, बहुत ईजीली हो जाएगा, बस इसको कर लोगे, और ये अगर आप किसी सॉल्यूशन बुक में दिखोगे तो बहुत डिफिकल्ट तरीके से देता है, तो सॉल्यूशन बुक नहीं देखना है आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ ट्रिक से देखो बेटा। उसके पहले मैं आपको रॉफ में कंपोनेंटो डिविडेंडो याद दिलाता हूँ कुछ, हाँ रॉफ वर्क बेटा, सब स्कूल, हाँ यस, यस, व्हाट इज इट, यस, ओके, लिसन 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 बेटा, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो फॉर्मूला बताता हूँ, हाँ यहाँ पर बेटे ऑलरेडी मैं बता चुका था, फिर बताता हूँ, कंपोनेंटो नाम थोड़ा हंसी आता है, डिविडेंडो, डिविडेंडो हम भी जो स्कूल में पढ़े थे, ये जो नाम सुन के बहुत हंसे हंसे थे, तो फिर क्या करेंगे, नाम तो नाम है, हाँ ओके, इंडियन को जो नाम हंसी लगता है, अमेरिकन को वो नाम मतलब ईजी लगता है, और इंडियन के नाम अमेरिकन लोग हंसी लगता है। अच्छा तो बेटे कंपोनेंट डिविडेंडो वाला फॉर्मूला देखो बेटे, कि अगर आपको ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दे रखा है, ए बाई बी रेशियो इज इक्वल टू सी बाई डी रेशियो, तो बेटे देखो कंपोनेंटो डिविडेंडो फॉर्मूला बताता है, अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है
देन ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो फॉर्मूला। अभी मैं इसको प्रूव नहीं करने वाला हूँ, नाइन्थ का पढ़ाई का स्कूल का पढ़ाई, आई विल नॉट प्रूव इट नाउ। दिस इज द कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, देखो न्यूमेरेटर ए है डिनोमिनेटर बी है, तो न्यूमेरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमेरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, इधर भी न्यूमेरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमेरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। गॉट इट ओके डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। यस कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का एक डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ। अगर बेटे कहीं पर आपको दिया गया ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई डी, सपोज आपको दिया गया है ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो आप अगर इधर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मतलब न्यूमेरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमेरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमेरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमेरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा दिस इम्प्लाइज ए बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। बेटा देखो अगर आपको ए प्लस बी बाई माइनस बी इक्वल टू सी बाई डी दिया है तो इसको कर दो ए बाई बी, ये हो जाएगा सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये कॉम्पाउंड डिविडेंडो का एक ट्रिक है। यू गॉट माई पॉइंट आई होप राइट? और इधर आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो कि जैसे कि अगर आपको a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया है तो आप क्या करते हो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। उल्टा दो अगर दोनों को रेसिप्रोकल ले जाओ तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी, अगर दोनों में रेसिप्रोकल ले गए राइट, बिकॉज इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन वन बाई दिस इज इक्वल टू वन बाई दिस राइट। गॉट इट? ओके तो दिस इज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ओके अब मैं आपको एक टिप देता हूँ कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर शायद कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का कुछ चक्कर है। मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। देखो बेटे अगर आपको जो ट्रिगोनोमेट्री में अगर क्वेश्चन देता है, अगर आप ऐसे दिखे कहीं पर कि एम प्लस एन बाई एम माइनस एन, पी प्लस वन बाई पी माइनस वन, के प्लस वन बाई के माइनस वन, के माइनस वन बाई के प्लस वन, हाँ वट एवर, हाँ पी प्लस क्यू बाई पी माइनस क्यू, ऐसे चीज़ों को अगर नोटिस किए तो अंदाजा लग जा रहा है कुछ तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का चक्कर है। यू गॉट माई पॉइंट राइट? ओके ओके तो अभी आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, एंड देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन, अगर सॉल्यूशन देखोगे इसको भयंकर तरीके से करता है। डू नॉट लुक एट द सर, यहां पे tan x tan y इज इक्वल टू k लेके कंपोनेंट होती है। यस 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 वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो बेटा पहले मैं पहले आपको दिखाता हूं क्या प्रूव करना है। वजह मैं तरतर होके कर रहा हूं क्योंकि टाइम हो गया है, 9:15 हो गया है, तो सबको जाना है, मुझे भी थोड़ा रेस्ट लेना है, तो इसीलिए मैं तरतर होके कर रहा हूं। ओके मुझे पता है तू कर दिया है, डोंट वरी आई नो इट। तुम क्या बहुत सारे कर दिए होगे ऑलरेडी। साइन जेड इज इक्वल टू के प्लस वन बाई के माइनस वन इन टू साइन एक्स माइनस वाई। बेटा देखो मेरा काम ये नहीं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाना, टीचर का काम ये है कि आपको बताना कि कैसे आपको पता चलेगा क्या करना है। जैसे कि मैंने बोला जरा इसको जरा देखो, अभी बोला था ना कंपोनेंडो डिविडेंडो का कुछ चक्कर है राइट, चक्कर है राइट, इधर कुछ के है। तो बेटा देखो पहले मैं इसको लिख देता हूँ जो गिवन है। गिवन क्या है कि tan x इज इक्वल टू के tan y, और मैं आपको एक मेंटल टास्क दे रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आप मेंटली उसको सुनो, मेंटली उसको सोचो, फिर हम पेपर में करेंगे। यहाँ पर दे रखा है k प्लस वन बाई के माइनस वन राइट। बेटे tan x के नीचे tan y ले आओ, tan x बाई tan y इज इक्वल टू के हो जाएगा। देखो tan x बाई tan y इज इक्वल टू के हो जाएगा। यस सर। फिर अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो tan x प्लस tan y डिवाइड बाई tan x माइनस tan y इज इक्वल टू के प्लस वन बाई के माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि k मतलब क्या होता है, k डिवाइडेड बाई वन, खाली k का मतलब क्या होता है, k डिवाइडेड बाई, उसके डिनोमिनेटर k वन है, तो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाए तो k प्लस वन बाई के माइनस वन हो जाएगी नहीं राइट? यस सर।
ओके सर तो एटलीस्ट एटलीस्ट ओके तो एटलीस्ट ये चीज तो मिल गया है ना, तो इसका मतलब कुछ तो उसके आगे होने वाला है, तो देखेंगे क्या होने वाला है। तो बेटे मैं पहले tan x by tan y is equal to k कर देता हूँ, फिर अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, दिस इज tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय tan x माइनस tan y इज इक्वल टू k के नीचे क्या है बेटा, k पाई वन राइट, तो k प्लस वन बाई k माइनस वन, चेक कर लो, यू गॉट इट राइट। ओके ओके, और बेटे जब भी आपको ऐसा फॉर्म मिले कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई tan अल्फा माइनस tan बीटा, tan x प्लस tan y बाई tan x माइनस tan y, पूरा सबको साइन बाई कॉस कर दो सब, ये हमेशा यही करना है बस आपको, ट्रिक याद रखना है, tan x प्लस tan y बाई tan x माइनस tan y, x प्लस sin x माइनस, यस ऐसे ही हमेशा करना है राइट, हमेशा साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई बाई कॉस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन वाई बाई कॉस वाई इज इक्वल टू के प्लस वन बाई के माइनस वन। बेटे कितनों को मेंटली पता चल गया है, मेंटली कर सकते हो, डिनोमिनेटर में LCM cos y x cos y कट जाएगा मेंटली, किनको पता है? यस सर, ओके यस सर, यस सर बाय sin a माइनस b, वेरी गुड। बेटा ऊपर cos x cos y अगर LCM ले जाते हैं तो ये हो जाता है sin x cos y प्लस sin y cos x डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा cos x cos y अगर LCM ले जाएं तो sin x cos y माइनस cos x sin y इज इक्वल टू k प्लस वन बाई के माइनस वन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है, दिस टू विल कैंसल आउट। उसके बाद बेटा ऊपर आपका क्या होता है बताओ जरा, sin x प्लस y राइट, sin x प्लस y बाई sin x माइनस y, नीचे क्या होता है sin x माइनस, यस सर। अच्छा बेटा जो आपको जो आपको प्रूव करना है बेटा उसका RHS में देखो जरा क्या है, k प्लस वन इन माई के माइनस वन इंटू साइन एक्स माइनस वाई है ना बेटे, चेक कर लो। ओके यस सर, और बेटे आपको गिवन है, आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, आपको गिवन है राइट। बस तो मैं इधर करता हूँ, ये जो x प्लस वाई लिखा है उसके जगह जेड लिखता हूँ, साइन जेड इज इक्वल टू इसको लेके क्रॉस कर देता हूँ इसके साथ वन, गॉट इट सर, तो प्रूव तो प्रूव, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर, ओके ओके माफ करना अगर आपको टायर्ड कर दिया तो टेक द स्क्रीनशॉट, नो सर नो सर, जब तक आप टायर्ड नहीं होगे हम भी नहीं टायर्ड होंगे। थैंक यू वेरी मच, ओके Thank you, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night.